Hello, radiographers. I am also a radiographer myself, Amir Sayyar, and today we are going to learn filming process of 3D CT LS spine scan. Okay. 3D CT के साथ में हम रूटीन LS spine scan का फिल्मिंग कैसे करते हैं और 3D LS spine का फिल्मिंग कैसे करते हैं ये दोनों हम देखेंगे. स्लाइस कटिंग किस तरह से किया जाता है, फिल्म फॉर्मेट किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इस तरह से पूरा स्कैनिंग फिल्मिंग प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे. तो चलिए फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम सिलेक्ट करना है. आप पेशेंट का नाम देख सकते हैं. पेशेंट का नाम है देव कुमार मलिक, डी के मलिक. पेशेंट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में उसके सारे सीरीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, लाइक स्काउट इमेजेस मीन्स टोपोग्राम, प्लेन स्कैन, सॉफ्ट स्कैन, बोन थिन रिकॉन, सॉफ्ट थिन रिकॉन. तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट थिन रिकॉन सिलेक्ट करना है और इसे रीफॉर्मेट में डाल देना है. रीफॉर्मेट में डालने के बाद में आपको इसे कॉर्नल वाले रीजन पे आना है और इस ऑब्लिक को आपको वीआर में कन्वर्ट करना है. वीआर में कन्वर्ट करने के बाद में पैन सिलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक करके इसे सिंगल विंडो करना है और आपको रिब और पेल्विस का पार्ट कट करके आपको रिमूव करना है. यहाँ पे सेगमेंट पे आना है और ये सीजर को सिलेक्ट करना है और इस तरह से रिब्स को आपको रिमूव करना है. डबल क्लिक करेंगे तो अंदर का पार्ट रिमूव हो जाएगा. इस तरह से हमने ये रिब्स को कट कर लिया और ये जो पेल्विस का पार्ट है हम इसे कट करके रिमूव करेंगे दोनों साइड से. और इसके बाद रोटेट करना है और इस तरह से जो बचा हुआ पार्ट है वो सब हम रिमूव करेंगे. ये इस तरह से हमने रिमूव कर लिया. ए पे क्लिक किया, ये एक्चुअल पोजीशन में वापस आ गया है. आप यहां देख सकते हैं पेल्विस का रीजन अभी भी यहाँ पे हल्का दिख रहा है, बट हमें ये कट टू कट एज से कट नहीं करना है बिकॉज ये सैक्रम बोन है. अगर हम ये कट करते हैं तो सैक्रम भी कट सकता है, तो हल्का सा हमें पेल्विस का रीजन रहने देना है इस तरह से. और इसे नीचे की तरफ में स्क्रोल कर लीजिए, वापस से आपको ए पे क्लिक करना है मीन्स एंटीरियर साइड, और आपको इस इमेज पे राइट क्लिक करना है, एनोटेशन पे आके नो एनोटेशन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है. इसके बाद में आपको फिल्म से वो पे आना है, बैच पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करना है और आपको 15 इमेज बनाना है, 3D का 15 इमेज बनाना है. और आप प्रीव्यू करके इस तरह से देख सकते हैं. तो ये बन चुका. इसके बाद में क्लोज करना है और इसे ओके करना है, ये सेव हो जाएगा. इसके बाद में एग्जिट कर लीजिए. सॉफ्ट विंडो का, सॉफ्ट थिन का काम हो चुका. इसके बाद में हम बोन थिन सिलेक्ट करेंगे. बोन थिन सिलेक्ट करके इसे रीफॉर्मेट में डाल देंगे. रीफॉर्मेट में डालने के बाद में आपको बोन रिमूव करना है मींस एक्सियल कोर सैज सब में आपको 3 mm का एवरेज थिकनेस देना है. इस तरह से 3 टाइप करके आपको एवरेज में कन्वर्ट करना है मीप को इस तरह से 3 का थिकनेस देना है. इसके वजह से आपको इमेजेस थोड़ा स्मूथ दिखेंगे. मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करना है और इसे सिमेट्रिकल करना है, लाइक कॉर्नल में जिस तरह से पास हो रहा है स्पाइन वैसे ही इसे भी कर्व करना है. एक्सियल में ये बराबर है, एक्सियल और साइज में ये बराबर है. इसके बाद में आपको सिमेट्रिकल करना है. अगर पेशेंट बराबर से सीधा नहीं सोया है तो ही आपको सिमेट्रिकल करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप सिमेट्रिकल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा. तो आपको ऊपर की तरफ आना है जहां से ये रिब जाके अटैच हो रहा है वर्टिब्रल बॉडी से, तो ये मतलब ये अब डॉर्सल रीजन है, थोरसिक रीजन है. यहां से हमें स्टार्ट करना है. इस इमेज पे क्लिक करना है, बैच पे आना है, लूप पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ में स्क्रोल करना है. और आपको ये जो आप देख रहे हैं ये कॉकिक्स बोन है, टेल बोन है, इसे आपको पूरा कवर करना है. जैसे आप यहां पे ये एंड होने वाला है तो जहां पे ये एंड होने वाला हो वहां पे आपको स्टॉप करना है और सेट एंड करना है. इसके बाद में आपको 35 इमेजेस बनाने हैं. 35 इमेज बना के ओके कर लीजिए, ये सेव हो चुका है. इसके बाद में पैन सेलेक्ट करना है और अब हम कॉर्नल इमेजेस बनाएंगे इस तरह से. इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे हम.
ओके अब हम कोर इमेजेस बनाएंगे, तो हमें आगे की तरफ जाना है मींस एंटीरियर साइड में। तो आप यहां देख सकते हैं, अब मैं इसके आगे जाऊंगा तो स्पाइन अब नहीं दिखेगा, तो वहां से हमें स्टार्ट करना है जहां से हल्का सा दिख रहा है वर्टिब्रल बॉडी। तो इस इमेज पे क्लिक करना है, सेट स्टार्ट करना है, और फिर पोस्टीरियर साइड में हमें स्क्रोल करना है, मीन्स नीचे के साइड में स्क्रोल करना है। जैसे ही ये सेक्रम बोन अभी भी आपको दिख रहा है, सेक्रम वर्टिब्रे अभी भी आपको दिख रहा है, तो सेक्रम रीजन जैसे ही ये कवर होता है, यहां पे हम इसे सेट एंड करेंगे, और फिर हम 28 इमेजेस बनाएंगे इसके। 28 इमेज हमें टाइप करना है, प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं 28 इमेज हमारा बन गया। क्लोज करना है, ओके करना है, ये भी सेव हो चुका। इसके बाद में अब हम साइज इमेजेस बनाएंगे, तो इस इमेज पे क्लिक करना है, पैन पे सिलेक्ट करना है और इसे मिडल में रखना है, और इसे अब हम राइट साइड की तरफ में स्क्रोल करेंगे। मैं ऊपर जा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं मेरा ट्रिगर जो है राइट साइड में आ रहा है, इसे राइट साइड की तरफ में स्क्रोल करना है। आपको यहां पे ध्यान देना है, जाना है यहां पे। अब इसके आगे जाऊंगा तो इमेजेस यूज के नहीं है, यहां से भी सेक्रम वर्टिब्रे आपको दिख रहा है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे सेट स्टार्ट, और फिर लेफ्ट साइड की तरफ में स्क्रोल करेंगे आगे। यहां पे हम सेट एंड करेंगे, इस इमेज पे सेट एंड कर लिए। अब हम साइज का 15 इमेज बनाएंगे, 15, और प्रीव्यू करके देखेंगे 15 इमेज बन गया, इसे भी ओके करेंगे, ये भी सेव हो चुका। अब इसके बाद में हम एग्जिट कर लेंगे, इसका काम हो गया, स्लाइस कटिंग का काम हो गया। स्लाइस कटिंग का काम होने के बाद में अब हम फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो 35 इमेजेस एक्चुअल का बनाया था, इसे मैनुअल फिल्म में डाल देना है, मिनिमाइज करके इसे नीचे की तरफ में ड्रैग करना है, और फिर जो हमने 28 इमेज कॉर्नल का बनाया था, इसे मैनुअल फिल्म में डाल देना है, और फिर हमने जो 15 इमेज साइज का बनाया था, इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देना है। फिर फुल स्क्रीन करेंगे हम, और फर्स्ट इमेज पे आएंगे, फर्स्ट फिल्म पे आएंगे। इसका फॉर्मेट रहेगा 5x7, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं 5x7। कॉर्नल पे आना है, और इसका फॉर्मेट रहेगा 7x4, और हम साइज पे आएंगे, साइज का फॉर्मेट रहेगा 6x3, इस तरह से 6x3 का फॉर्मेट रहेगा। और फिर हम एक मिडल वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें वर्टिब्रल बॉडी पूरा एक अलाइनमेंट में दिख रहा है, पूरे वर्टिब्रेस अलाइनमेंट में दिख रहा हो, ये एक बीच का इमेज हम सिलेक्ट करेंगे, और इसे कॉपी करेंगे, सॉरी कट करेंगे, इसे कट करेंगे यहां से, और सबसे फर्स्ट इमेज पे हम इसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में फिर ये पहले वाले इमेज को हमें पकड़ना है, इस बॉक्स को हमें 4 बॉक्स में एडजस्ट करना है इस तरह से, ओके। और इसके बाद में हम वापस से इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिटर में आ जाएंगे, डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशन को अनसिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्ट करेंगे जिस तरह से हम एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू ऑल पेज करना है इस तरह से, तो एनोटेशन रिमूव हो जाएगा हर इमेज पे से। फिर हमें हर फिल्म के फर्स्ट और लास्ट इमेज पे हमें एनोटेशन डालना है इस तरह से। इस इमेज को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज, लास्ट इमेज, राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज, इस तरह से हमें फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डालना है, और पूरा पेज लेकर के हमें इस तरह से जूम करना है और इसे मिडिल में रखना है, ओके। इस तरह से जूम कर लेना है हमें। जूम होने के बाद में फर्स्ट इमेज पे हम जो इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बीच में रखेंगे। इसके बाद में फर्स्ट इमेज पे हम एनोटेशन डाल देंगे, लिखेंगे एक्सियल एलएस स्पाइन। मैं आपको दिखाता हूं, शो करता हूं, आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सियल एलएस स्पाइन, इस तरह से लिखना है। फिर नेक्स्ट विंग पे आना है, इस पे भी फर्स्ट और लास्ट पे हम एनोटेशन डाल देंगे, एनोटेशन डालने के बाद में डबल क्लिक करेंगे, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसे भी जूम करेंगे, मैक्सिमम जूम रखना है आपको, बस ध्यान देना है कि कहीं से कुछ कोई पार्ट कट नहीं हो रहा हो। तो आप यहां देख सकते हैं यहां कॉकिक्स भी दिख रहा है, कट नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से जूम रखना है। फिर एनोटेशन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है, कोरोनल एलएस स्पाइन। इसके बाद में नेक्स्ट फिल्म पे आना है, और फर्स्ट इमेज को डबल क्लिक कीजिए, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, इसे भी जूम करना है इस तरह से, ये जूम हो गया, इसे बीच में सेट करना है। सेट करने के बाद में
ये मैंने फर्स्ट इमेज को 4 बॉक्स में इसलिए एडजस्ट किया कि इस पे एनोटेशन डालने के लिए इजी होगा और एक अच्छा दिखता है फिल्म। इसके बाद में हम एनोटेशन डालेंगे। एनोटेशन के लिए यहाँ पे ए सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ये है L5 और इस तरह से हम L5 4 3 2 1 D12, फिर हमें डायरेक्ट D12 पे डालना है। D12 इस तरह से हमने एनोटेशन डाल दिया। फिर हम फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे, एडिटर में आएंगे, डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज, इस तरह से एनोटेशन डाल देंगे। ये हो गया। इसके बाद में हम इस पे मेंशन करेंगे सैज राइट टू लेफ्ट एलएस स्पाइन। आप यहां देख सकते हैं सैज राइट टू लेफ्ट एलएस स्पाइन। राइट टू लेफ्ट इसलिए क्योंकि हमने राइट साइड से स्लाइस कटिंग स्टार्ट किया था और लेफ्ट साइड में स्टॉप किया था, तो ये सैज राइट टू लेफ्ट एलएस स्पाइन। और फिर इसके बाद में इसे मिनिमाइज कर लीजिए, नीचे की तरफ हमें ड्रैग करना है। और फिर हमने जो 15 इमेजेस इसका बनाया था 3D इमेजेस का, या बट यहाँ पे 16 इमेज सेव हुआ है। फर्स्ट इमेज पे हमें प्रीव्यू शो करता है, इसे मैनुअल फिल्म में डाल देंगे, फुल स्क्रीन करेंगे। फर्स्ट वाला इमेज हम इसे कट कर देंगे और इसका फॉर्मेट रहेगा 5x3। 5x3 का फॉर्मेट रहेगा। इसे भी डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट कर लीजिए और जूम करना है, जूम करके बीच में एडजस्ट करना है, कहीं से कुछ कट नहीं होना चाहिए। अभी ये इमेजेस ज्यादा राइट साइड में है तो हम इसे थोड़ा शिफ्ट करेंगे इस तरह से। ये हो गया एडजस्ट। तो इस तरह से हमारा 4 फिल्म बन चुका है 3D एलएस स्पाइन का। अगर रूटीन एलएस स्पाइन का है स्कैन तो आपको एक एक्सियल का फिल्म देना है, एक कॉर्नल का और एक सैज का, और 3D होगा तो आपको 4 फिल्म देना होगा इस तरह से। दैट्स इट। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वॉज द कंप्लीट डिटेल्ड फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ सिटी एलएस स्पाइन स्कैन एंड सिटी एलएस स्पाइन 3D स्कैन। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूं। आपको बोन विंडो का एक्सियल का 35 इमेजेस बनाना है, इसका फॉर्मेट रहेगा 5x7। और फिर आपको बोन विंडो का कोरोनल का 28 इमेजेस बनाना है, इसका फॉर्मेट रहेगा 7x4। और फिर आपको सैच का 15 इमेजेस बनाना है और इसका फॉर्मेट रहेगा 6x3। 6x3 में आपको 15 इमेजेस बनाना है। और फर्स्ट इमेज को आपको फर्स्ट वाले बॉक्स को आपको 4 बॉक्स में एडजस्ट करना है, पहले बॉक्स को 4 बॉक्स में एडजस्ट करना है आपको, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा। और फिर इसके बाद में आपको 15 इमेजेस 3D कटिंग के बनाने हैं एलएस स्पाइन के, और इसका फॉर्मेट रहेगा 5x3। तो अगर रूटीन स्कैन है तो 3 फिल्म बनेगा, और अगर 3D स्कैन है तो 4 फिल्म बनेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।